फ्रेंड्स वेलकम बैक, मैं हूँ चिलीज किचन से। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आज आप सब लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी। मैं बनाऊँगी यहाँ पर खड़े मसाले का कीमा। तो खड़ा मसाले का कीमा बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें यहाँ पर ली हैं मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पर हाफ के जी बीफ का कीमा है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके क्लीन करके यहाँ पर अपने पास रखा है। चार बड़े साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस काट लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। 3 टमाटर मैंने काटे हैं, सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पानी मसाला भूनते वक्त यूज़ करेंगे। ऑयल है हमारे पास यहाँ पे, हरा धनिया, हरी मिर्च है, 4-5 गोल वाली मिर्चें। और यहाँ पर मेरे पास है साबुत मसाला जिसमें दालचीनी है, मेरे पास यहाँ पर बादियान का फूल है, काली वाली इलायची है, हरी वाली इलायची है, मेरे पास यहाँ पर लौंग है, जायफल जावित्री है, और यहाँ पर मेरे पास एक करी लीव्स है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर डाल दिया अपनी कढ़ाई में मसाला, साबुत गरम मसाला, ऑयल डाल दिया। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा ये गोल्डन होगा तो साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन। चलिए जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं यहाँ पर हम, साथ ही साथ इसमें मैं हाफ अनियन यूज़ करूँगी। चलिए इसको अब हम करेंगे अच्छे से गोल्डन। ये गोल्डन हो जाए तो इसमें कीमा शामिल करेंगे। देखें हमारा प्याज, लहसुन, अदरक और ये साबुत गरम मसाला ऑयल में बड़े अच्छे से फ्राई हो गया। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कीमा। अब इस मसाले के साथ इस कीमे की करेंगे अच्छे से भुनाई। इसका कलर पिंक से करेंगे गोल्डन। 5 मिनट लगेंगे इसको अच्छा सा भूनेंगे। इसकी मीट की स्मेल इस भूनने से ख़त्म होगी। फिर इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे बाकी की चीज़ें और इसको करेंगे रेडी। इसी ऑयल के साथ इसको अच्छे से भूनने जाएंगे, 5 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा कीमा जो था, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला अभी तक। कीमे का अपना पानी मैंने ऑयल में ड्राई किया है, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं इसको भूनूंगी और फिर मैं इसमें बाकी के स्पाइस शामिल करूंगी। देखिए इसका पानी ड्राई हो गया सारा, 7-8 मिनट लगे हैं। कीमे का सारा पानी ड्राई हुआ है, ये देखिए किनारों से इसने ऑयल छोड़ दिया है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम बाकी की सारी चीज़ें। मेरे पास 3 टमाटर थे जिनको मैंने रफली कट कर लिया। अब डालेंगे हम इसमें अपने बाकी के स्पाइस। चाय की चम्मच, एक छोटा टीस्पून मेरे पास सूखी मिर्च है वो मैंने डाली है। 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर। चाय की 1/2 चम्मच मैंने डाली है हल्दी पाउडर। 5-6 मेरे पास गोल वाली हरी मिर्चें हैं वो शामिल करेंगे। 1 टेबल लाल मोटी वाली मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट का शामिल किया है। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। बस गरम मसाला और काली मिर्च इसमें हम डालेंगे बाद में। अब हम इसको भूनेंगे 5 मिनट तक। हम इसकी फिर से भुनाई करेंगे अच्छे से इसी ऑयल में। 5 मिनट तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और फिर इसको रेडी करेंगे। देखिए अभी तक हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला, मैंने छींटा भी नहीं लगाया पानी का अभी तक। 5 मिनट मैंने इसको इसी तरह से भून लिया है। क्योंकि हम खड़ा मसाले का कीमा बना रहे हैं ना, तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा इन टमाटरों को और इन चीज़ों को बिल्कुल भी मैशी नहीं करना। चलिए ये जो मैंने प्याज बचा लिया था ये प्याज डालूंगी इसके अंदर। चलो और इसको मैं कर दूंगी कवर। अब इसको मैं, अभी भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला। 5 मिनट तक मैं इसको मज़ीद और पकाऊंगी, फिर देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी थोड़ा सा डालेंगे और इसको 10 मिनट तक पकने देंगे और फिर इसको डन करेंगे। हमारा कीमा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, खड़ा मसाला सारा आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल भी मैशी नहीं हुआ, ये देखें। और आप ये देखें मैंने इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डाला। देखें पानी एज इट इज़ पड़ा है मेरे पास, मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था। प्याज का, टमाटर का और ये इसका अपना पानी था, अभी तक इसमें एक छींटा भी मैंने पानी का शामिल नहीं किया। चलिए दो तीन हरी मिर्चें डाल देते हैं, ऐसे हाथ से तोड़ के डाल देते हैं।
गरम मसाला मेरे पास था हाफ टी स्पून, काली मिर्च थी हाफ टी स्पून, थोड़ी सी जुलियन कटी अदरक है मेरे पास, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा। बस ये हमारी डिश अब है खड़े मसाले का कीमा बनके रेडी। आपको नज़र आ रहा होगा सारा प्याज भी, टमाटर भी, हरा धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, और ये बहुत मज़े का यम्मी, बहुत टेस्टी बन के रेडी होते हैं। ज़रूर बनाएं आप लोग भी। चले मैं इसे डिश में निकालती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा बन के रेडी हो गया, बीफ के साथ मैंने रेडी किया, बहुत मज़े का बना है। यकीनन आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चले मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।